गुड आफ्टरनून गोकी खिलाड़ियों, आई होप आप सब लोग अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इंडिया हेल्थ क्विज का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। बस यूं ही लगे रहो, अपनी नॉलेज जो है हेल्थ के बारे में उसको बढ़ाते रहो, बहुत ज़रूरी है। अरे बाप रे, इतने सारे लोग लाइव आ गए, थैंक यू एवरीवन। बट आज हम लोग यहाँ क्यों हैं? आज मैं आप सबसे इंडिया के सबसे बड़े हेल्थ और फिटनेस मूवमेंट यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले उन्होंने जो प्लेज लिया है उसके बारे में बात करते हैं, उसको दोहराते हैं साथ। तो मेरे साथ बोलिए, I promise to myself that I will devote time for physical activity and sports every day, and I will encourage my family members and neighbors to be physically fit and make India a fit nation. Thank you. एक चीज जो हम सबकी लाइफ में कॉमन है, मेरी आपकी सबकी लाइफ में कॉमन, वो है हमारा बिजी स्केड्यूल। और इसी एक्सक्यूज की वजह से हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं। ऑफिस की भाग दौड़ रहती है, शूटिंग रहती है, हम लोग क्या करते हैं कि मील को है वो स्किप करते हैं, खाने के वक्त मतलब लंच टाइम के वक्त लंच नहीं खाते, फिर जंक फूड ऑर्डर करते हैं, हम लोग ये मंगा लिया वो मंगा लिया। आप समझ सकते हो, जंक फूड मतलब जो बाहर मिलता है, घंटों स्क्रीन के सामने ऐसे हम पड़े रहते हैं, चाहे वो काम के कारण हो या कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई पिक्चर देख रहे हो। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा पता क्या बात सफ़र करती है? हमारी हेल्थ, वो हम याद नहीं रखते। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान का जो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है ना, फिलहाल बहुत बहुत गलत है, मतलब बहुत दुनिया के हिसाब से बहुत ही छोटा है। आपको पता हमने पिछले साल कितना प्रोग्रेस किया है? पहले हम कोलेस्ट्रॉल केसेस हमारे यहाँ थे 10%, 2018 की बात करो, अब बढ़ के 14% हो गया। ब्लड प्रेशर का जो केस था वो 9% था, अब 12% हो गया, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये मैं खुश हो के नहीं कह रहा हूँ, I'm saying it sarcastically. You know, शुरू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटे में, मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। Kill yourself. इस एक घंटे में यार आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो आपको पसंद, चाहे जिम चले जाओ एक घंटे के लिए, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो, कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। कुछ दिनों में आप लोग को ऐसा खुद ही फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस रहना और रूटीन को बनाए रखना। तो भैया देर किस बात की है, हेल्थ के गोल्स को बनाओ एंड गेट मूविंग। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चलना ही है यार। जो आप वैसे भी घर पे होते हो तो चलते ही हो, बाहर लिख लो, चलो गार्डन में जाओ, पत्नी के साथ घूमो, वॉक पे जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, हैं? मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप लोगों को एक गोल बना लेना चाहिए, सबको हिंदुस्तान में, मैं सबको 132 करोड़ लोगों को कह रहा हूं, एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आप लोगों ने चलना है दिन में, 10,000 कदम आप लोगों ने चलने हैं। स्टेप काउंट को मेजर करने के लिए गोकी ने जो लिमिटेड एडिशन फिट इंडिया ट्रैकर भी लॉन्च किया है, उसका इस्तेमाल करो, वो आपको बताएगा कि आप कितने कदम चल रहे हो।
हाँ हो सकता है कभी आप बीमार हो, मुझे पता किसी ने ये भी पूछना है कि अगर मैं बीमार हूँ तो क्या, ठीक है आज अगर 2000 कदम ही चले तो 8000 रहेगा ना, जब ठीक हो जाए तो 18 कर लेना, करते रहना, 10000 कदम तो चलना ही है। खाने पे कंट्रोल हो गई बात, वॉक पे हो गए बात, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक्सरसाइज के साथ उसके हैंड टू हैंड जाता है, वो सही डाइट मेंटेन रखना। आपको बताऊं अनहेल्दी फूड डिस्काउंट से जो डिस्ट्रैक्ट होना पर बहुत मतलब बहुत ही आसान है, बट आपके अंदर ही सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बनाओ यार। मैं आज भी आपको बताऊं फिल्म की शूटिंग पे रोज जाता हूं, लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं, घर का डब्बा लेके जाता हूं। कितना भी लोग कभी कभी हीरोइन बोलती है या कोई और बोलता है यार तू घर से डब्बा लेके आता है, हाँ भैया मैं घर से ही डब्बा लेके आता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जब मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं थे घर से, मतलब नहीं ला पाता था कभी कभी कुछ, तो मैं पता क्या करता था, 6 केले खरीद देता था। उस वक्त केले 55 पैसे में आते थे, 6 केले 55 या 60 पैसे में केले खरीद के खा लेता था। केले को छीलो, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, आप ऊपर का हिस्सा काट के खा लो। अरे यार डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमारे हाथों में है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। घर की दाल रोटी सब्जी और थोड़ा बहुत घी, जो कई कई लोगों को लगता है कि यार बड़ा ही कोलेस्ट्रॉल है, नहीं भाई असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो वारे न्यारे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, बोन्स के अंदर ताकत आती है, कोई भी डॉक्टर को पूछ लो। सो गाइस से यस टू घर का खाना, मतलब दिन लंबा हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि इवनिंग स्नैक्स क्या लेना है ताकि आपको जंक ऑर्डर ना करना पड़े। ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो आप, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट अपनी जेब में रख लेते। कई लोगों को जानता हूं, एक्टरों की बात कर रहा हूं मैं, आजकल वो जेब में ना ड्राई फ्रूट रखे रखते हैं। मुझे बताइए आप नॉर्मली, एक और बात करनी मुझे, आप नॉर्मली कितने घंटे सोते हो आप लोग? आराम करना भी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज की बात तो हो गई लेकिन आराम करना भी, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आराम भी होता है, 4 घंटे या 5 घंटे नहीं, आपको आपके बॉडी सही फंक्शन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आराम, और वो है 8 घंटा, 8 घंटे की नींद। और अगर 8 घंटे की नींद आएगी आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा, चाहे वो कसरत में हो, काम में हो, दिमाग हो, ऑफिस में, आपको बहुत साथ देगा। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और दूसरी बात, ऑफिस से घर पहुंचो तो अपने मोबाइल को दूर रखो, परिवार को साथ लाओ, आगे लाओ, करीब लाओ, ट्रस्ट मी ये आपको और प्रोडक्टिव बनाएगा। डिस्कनेक्ट टू रीकनेक्ट विद योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अब मैं कुछ मेरे रूटीन के बारे में आप लोगों को बताता हूं। मैं बहुत जल्दी सो जाता हूं, मैं 8:30-9 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा रात को ना उल्लू जागते हैं, जो उल्लू होते हैं वही जागते हैं। और मैं एक और बात देखी है, खैर इसके बारे में कभी बाद में बात करूँगा, लेकिन मेरा जो रूटीन है रात को जल्दी सो जाना, उसके बाद सुबह उठना, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, 4 बजे मेरे बीवी बच्चे सब सोए होते हैं, ये एक वक्त होता है जो मैं अपने आप अपने साथ गुजारता हूँ। अपने साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यह 1-1.5 घंटा मैं अपने साथ अकेले कुछ नहीं कर रहा होता, चाहे मैं ऐसे सोफे पे बैठ के सीलिंग को देखूं, दीवार को देखूं, समुंदर के किनारे ऐसा खड़ा होकर देखूं, लेकिन वो 1 घंटा उस वो वक्त मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मेरा दिमाग चल रहा होता है और मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है आगे।
ये ऐसे है वो ऐसे, अपने आप ख्याल आते। उसके बाद 5:30 बजे मैं शुरू होता हूँ, अपना एक्सरसाइज करता हूँ, जाता हूँ अपना एक जिम बनाया हुआ है वहाँ जाके एक्सरसाइज करता हूँ। कभी वॉक पे निकल गए, कभी स्विमिंग पूल पे चले गए, मेरे एक दोस्त का स्विमिंग पूल है वहाँ चला जाता हूँ। बस कुछ ना कुछ कोई अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज कर, कभी कभी तो सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। मेरे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो 9 फ्लोर की हैं, तो 9 फ्लोर ऊपर नीचे करता हूँ, करीबन 8-10 बार कर लिया, 90 फ्लोर ऐसे ही चढ़ गए। फर्स्ट क्लास एकदम वार्म अप हो जाता है, उसके बाद थोड़े दंड बन पे लिए, उसके बाद थोड़े स्टमक मार लिया। बैक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज हफ्ते में 3 बार मसाज करवाना, जो आपके बॉडी को आके रिलैक्स करे, स्ट्रेच करे। योगा करो, उससे भी स्ट्रेच होती है, स्ट्रेचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, किसी के पास पैसे हो तो फिजियोथेरेपी करवाओ, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कराओ। अगर आपकी आपके अगर आप बुला सकते हो किसी डॉक्टर को तो करवाइए। अनदर थिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ कोल्ड बाथ लीजिए। अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो तो ठंडे ठंडे पानी में, अगर टब हो उसके अंदर थोड़ा बर्फ़ डाल के आप लेट जाइए। लेकिन याद रखिए, उसके लिए भी किसी अच्छे डॉक्टर को पूछ के, ऐसे मत लेट जाना नहीं तो निमोनिया हो जाएगा। मतलब ऐसे मत कर लेना जो मैं, मतलब उसके अंदर आप किसी को पूछ के, जैसे गोकी में ही जाके आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये इसके बाद फिर मैं शूटिंग पे चला जाता हूँ। शूटिंग पे कभी कभी थोड़ा वक्त मिल जाए तो अपने डॉक्टर को जाके स्कूल छोड़ आता हूँ। उसके बाद शूटिंग में मैं क्या करता हूँ पता है, 8 घंटे शूटिंग करता हूँ। मैं अपने वैन में जाके नहीं बैठता, बस सेट पे बैठा रहता हूँ, 8 घंटे शूटिंग करता हूँ। 8 घंटे ख़त्म हुए, प्रोड्यूसर को बोल देता हूँ मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं कर रहा। और गेस व्हाट, प्रोड्यूसर कौन था? मैं खुद हो रहा था। तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ और अपना काम वाम करके फिर अपना घर गए। फिर उसके बाद घर में जब मैं शूटिंग से लेके घर जा रहा होता हूँ तो फ़ोन पे अपने सारे फ़ोन के काम कर लेता हूँ। कोई मिस कॉल होते हैं तो फटाफट मिस कॉल देके जवाब देके या मैसेज वैसेज देके, उसके बाद घर पहुँच के कोशिश करता हूँ फ़ोन को ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और अपने परिवार के साथ फिर पिक्चर देख लिए, खाना खा लिया, घूम लिए, साथ में कहीं पिक्चर देखने कहीं PVR पे चले गए या कहीं कोई और थिएटर पे चले गए, और कभी कभी आइसक्रीम खाने निकल गए। ऐसा आराम से ज़िंदगी बीत जाती है, पता भी नहीं चलता है क्या हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर देखो ना, तो ये नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ, अक्षय इसलिए कह सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। नहीं नहीं भैया, ये आप भी कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि 8 घंटे नहीं कर सकते, आपको 10 घंटे करना पड़ता होगा, 12 घंटे करना पड़ता होगा। बट देन डिवाइड योर, मतलब आप अपने आप अपने 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 लाइफ को देखो और उसको समझो कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसके टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। ये नहीं है कि 8 घंटे मैं बिगनिंग से करते आ रहा हूँ। करीबन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं 24-24, 40-40 घंटे काम करता था। उसी के बीच में वक्त निकाल के एक्सरसाइज कर लिया, कैसे कैसे आधे घंटे सो लिए, यूँ सोफे पे बैठे बैठे सो गया। I used to cope up बिकॉज उस वक्त काम नहीं होता था, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी होता था, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी होता था। ये यार बहुत मेहनत की है, बट यू हैव टू मैनेज। और वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो चीज़ आपने खुद ने खुद करनी है, खुद समझनी है। भैया हम सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि हम जो 132 करोड़ जो लोग हैं, अब हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के जो लोग हैं, इनको सबको फिट होना है। हमारा जो हेल्थ कार्ड है इसको ऊपर लाना है, एकदम ऊपर लाना है। हमारे में वो ताकत है, हमारे में वो जुनून है, सिर्फ बस ये दिमाग का जो बटन है इसको स्विच ऑन करो और देखो अपने आप शुरू हो जाएगा। करो यार करो। बहुत बुरा लगता है जब एक 35 या 40 साल का लड़का, एक आदमी मैं देखता हूँ कई जगह पे, यार अभी हार्ट अटैक आ रहा है स्ट्रेस की वजह से, अनहेल्दी चीज़ खाना खाने की वजह से। नहीं चाहिए, दूर करो इस सब चीज़ों को यार। बहुत बढ़िया दुनिया दी है भगवान ने,
बाहर कभी, मैं कहता हूँ, मैं तो आपको, मैं गर्व से कहता हूँ, आज तक मैंने कभी सनराइज मिस नहीं किया। मैंने हर उगता हुआ सूरज हर दिन का देखा है, एक दिन मिस नहीं किया, मैंने देखा है। बुखार हो या कुछ भी हो, अनलेस अनल बारिश हो और सूरज नहीं आया, वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। लेकिन उससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं होती यार। तो बस अभी इनफ लेक्चर दे दिया, अब आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप लोग क्या पूछना चाहते हो। तो चलिए मैं देखता हूँ कि पहले, सबसे पहले मौसमी जी, आप पूछ रहे हैं कि आप मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हो। मेंटल फिटनेस के लिए, हेलो मौसमी जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, ना बुरा सुनो ना बुरा सोचो, मेंटल हेल्थ एकदम फिट रहेगा। से नो टू नेगेटिविटी, बिल्कुल नेगेटिविटी के सारे दरवाजे बंद कर दो, नेगेटिव सोचो ही मत, ना सोचो ना किसी के बारे में नेगेटिव कोई बात भी अपनाओ। अगर आपको कोई कहे ना कि यार उसके भगवान करे ऐसा हो जाए ये हो जाए, नहीं यार, जिंदगी में याद रखना, ये जो भगवान करे या आप कभी भी नेगेटिव सोचोगे ना किसी के बारे में, सबसे पहले आप ही पे होगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये मेरी बात। चलिए दूसरे चलते हैं। आलिया, आपका क्या सवाल है? क्या आपकी फैमिली भी आपके जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है? जी बिल्कुल, शुरू से ही मैंने अपने बच्चों को, उनको एनकरेज किया है कि घर के बाहर आप लोगों को खेलने जाना चाहिए, घर पे नहीं, घर के बाहर चलो, एक गेंद ले लो, गेंद के साथ खेलो, बॉल बैट ले लो, चाहे आप अपने डॉगी को साथ में ले लो, उसके साथ भागो दौड़ो, साइकिल ले लो, घूमो फिरो। मैंने दोनों बच्चों को बचपन से ही कराटे ज्वाइन कराया। मेरी बेटी अब 6 साल की है, वो अभी से ही कराटे कर रही। मेरा बेटा तो था, उसने तो 4 साल से शुरू कर दिया था। उसके अलावा मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी योगा फॉलो करती है, और मेरा क्या है, मैं तो जो मिले कर लेता हूँ, स्विमिंग हो, एक्सरसाइज हो, इमारतें चढ़ना हो, कुछ भी हो, बस कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। okay. अनीता राव का क्वेश्चन है कि मैंने क्या फिटनेस एडवाइस मोदी जी को दिया है। अनीता जी, सवाल के लिए शुक्रिया, पर शायद आप जानती नहीं हैं कि गोकी के जो टॉप 30 हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ऑफ 2019 की लिस्ट को अगर आपने देखा होगा, तो उसमें जिसने टॉप किया है, जी हाँ, वो मोदी जी हैं ना। उसमें उसी लिस्ट के अंदर मेरा नाम दूसरे पोजीशन पर आता है। तो भला आपने कभी देखा है कि नंबर 2 वाला नंबर 1 को कुछ बोले? आप एक काम करिए, यही प्रश्न मोदी जी को पूछिए कि उन्होंने क्या क्या सिखा, ठीक है? तने जी का क्या क्वेश्चन है? आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? ओ, मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ? मैं भी तने जी आपकी तरह पिछड़े पिछड़े देखता हूँ, शौकीन पंजाबी आदमी हूँ, पराठे खाता हूँ, बहुत अच्छे चॉकलेट पराठे बना भी लेता हूँ, कुकिंग वुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है, पास्ता वास्ता ये सब बना लेता हूँ, साथ में 4 बजे उठ के कसरत भी कर लेता हूँ, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगर किसी कारण एक्सरसाइज छूट जाए तो कुछ और करता हूँ, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर ली, चढ़ लिया। तो मैं आपको कहा, ये रॉकेट साइंस तो है नहीं अपने, मुझे ना एक चीज़ से बहुत प्यार है और वो है अपने पसीने से बहुत प्यार है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपने पसीने से प्यार करिए, जितना हो सके पसीना निकालिए, और फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। ओहो, फाइनली विशाल जी का सवाल है, हाउ विल फिट इंडिया मूवमेंट इम्पैक्ट इंडिया? विशाल जी, इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन यंग एडल्ट्स है, और अफसोस की बात है कि इन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं,
क्योंकि वो आजकल ये लोग फिट नहीं रहते हैं, और इसी कारण हमारा जो पॉपुलेशन बड़ी मात्रा में डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। अंदाजे से करीबन 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। इसीलिए फिट इंडिया मूवमेंट बेहद ज़रूरी है लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने जीवन में कोई भी फिटनेस एक्टिविटी शामिल करें और ध्यान दें अपने ये जो खाते हैं ना, ये जो हाथ पे ध्यान दीजिए। जब ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा उसको रोकिए। पेट में अगर आपकी जगह इतनी हो तो इतना ही खाइए, बाकी की जगह छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीडी बनने की, ज़रूरत नहीं, इतनी जगह छोड़ दीजिए, बस इतना ही खा लीजिए। सो कमिंग बैक, छोटे छोटे चेंजेस लाएं अपनी लाइफस्टाइल में। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो गोकी जो है वो इज़ अ राइट प्लेस वे, जहाँ आपकी मदद हो सकती है, चाहे एक्सरसाइज हो या योगा हो या डाइट हो या न्यूट्रिशन हो। वैसे भी मैंने आपको बताया था गोकी के कोचेस जो हैं वो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, आपको हमेशा गाइड करेंगे और आपको लेके चलेंगे, आपको बताते रहेंगे। सो एक्टिव रहिए, हेल्दी खाइए और 8 घंटे की पूरी नींद कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी गोकी ऐप पे। अभी के लिए फ़िलहाल तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंटली मेरी हर बात सुनी। अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड जैसे हमारा एक मोटो है, मेरी ज़िंदगी का भी मोटो रहा है कि बी द फोर्स, मतलब अपने और अपने परिवार का बी द फोर्स, पुश योरसेल्फ, डू समथिंग विच विल मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। सो गाइस, बाय बाय, बी द फोर्स। Gokhi, be the force.